हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मयंक एंड यू आर वाचिंग मयंक रमोला ऑफिशियल। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या मुझे एक Q&A वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक कम्युनिटी पोल था वो, तो उसमें ऑलमोस्ट 92-93% लोगों ने कहा कि हाँ, ऑब्वियसली आपको करनी चाहिए। तो लेटर फिर मैंने एक और पोस्ट अपलोड करी, उसमें मैंने आप लोगों को अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसे पूछने के लिए कहा। तो जो भी क्वेश्चंस उस पोस्ट में आए, तो आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये Q&A वीडियो होने वाली है, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आयुष भंडारी 07 करके, इनका यूजर नेम है यूट्यूब पर। ये पूछते हैं कि आई आयुष भंडारी हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन एंड हाउ योर इंटरेस्ट इन पोएट्री स्लैश ब्लॉगिंग बिगन टू स्टार्ट, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग बिटवीन स्टडीज एंड यूट्यूब, हाउ डिड योर पेरेंट्स स्लैश रिलेटिव्स फील व्हेन दे सॉ यू एज अ ग्रोइंग पोएट एंड ब्लॉगर ऑन यूट्यूब, हाउ वुड यू थैंक योर पेरेंट्स फॉर ऑल यू हैव। इन्होंने दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड हाउ योर इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड ब्लॉगिंग बिगन टू स्टार्ट। एक्चुअली ब्लॉगिंग तो अभी ही से स्टार्ट करी है मैंने अपने चैनल पर, कुछ ही महीने पहले। बट इनिशियली मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था पोएट्री के लिए। दिस वॉज इनिशियली अ पोएट्री चैनल। तो पोएट्री की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली पोएट्री सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी स्टार्टिंग से ही। बट एक इंटरेस्ट होता कि हाँ, मुझे भी लिखना चाहिए। तो वो वाला इंटरेस्ट जब मैं 12th पास करके अपना इंटरमीडिएट करके आया था, और इंटरमीडिएट के बाद जब कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उस बीच जो गैप था, तो उस गैप में मैंने बहुत से पोएट्स की वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर देखी, क्योंकि फ़ोन नया नया मुझे मिल गया था घर से। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, अमनदीप सिंह करके एक यूट्यूबर हैं, ही इज़ अ पोएट एंड वेरी फाइन स्टोरी टेलर। तो उनकी वीडियोस मैंने देखी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और मैंने पहले से ही एक चीज़ सोच रखी थी कि लाइफ में एक को करिकुलर चीज़ कुछ करनी है। तो मुझे लगा कि इट माइट बी दैट थिंग विच आई कैन परस्यू माई स्टडीज़। सो फिर मैंने लिखना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में हुआ यूँ कि मुझे बहुत वक्त लगता था, इवन 4 लाइन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगने लगा। बट धीरे 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 जैसे आप लिखने की आदत आती है आपके अंदर, तो फिर आप इम्प्रूव करने लगते हैं। जो 4 लाइन आपकी पहले 10 मिनट में बनती है, बाद में वो 5 मिनट में बनने लग जाती है। धीरे धीरे फिर मैंने पोएम लिखना स्टार्ट करा, एंड देन आई स्टार्टेड टू रिसाइट देम एंड अपलोड देम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई, आई थिंक अक्टूबर 2019। बहुत पुराना जो है मेरा ये चैनल है नहीं, बट ऑलमोस्ट मुझे 20 महीने के करीब हो चुके हैं यूट्यूब पर। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन अब तक चलती आ रही है। आजकल व्लॉगिंग भी मैंने इस चैनल पर स्टार्ट कर ली है। तो बेसिकली इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हुआ। अगला इनका क्वेश्चन है, हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव फील व्हेन दे सॉ यू एज अ ग्रोइंग पोएट एंड ब्लॉगर ऑन यूट्यूब। एक्चुअली पेरेंट्स और रिलेटिव्स मुझे अप्रिसिएशन ही मिला है फॉर्चुनेटली हर जगह से, लाइक दे ऑल सपोर्ट्स मी अलॉट। एंड इनमें मैं अगर फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करूँ, तो फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने भी मतलब मेरी वीडियोज़ के लिंक अपने स्टेटस में या अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा शेयर करे हैं। तो अब तक मतलब कुल मिला के अगर मैं एक रिव्यू करूँ, तो मुझे सपोर्ट ही मिला है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो रिलेटिव्स की तरफ से हो। और रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, और उनका अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। बिकॉज जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है किसी चीज़ में, तो आप उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि और अच्छा जो है इसमें करा जाए। तो वही मैं समझता हूँ कि जो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, उसे मैं एक एज अ मोटिवेशन यूज़ करता हूँ इस अपनी इस स्किल को डेवलप करने के लिए। तो अब तक मुझे कुल मिला के अप्रिसिएशन ही मिला है। अगला इनका क्वेश्चन है, हाउ वुड यू थैंक योर पेरेंट्स फॉर ऑल यू हैव। एक्चुअली अभी तक तो कुछ इतना अचीव करा नहीं है ज़िंदगी में, बट जब भी कोई अचीव करेंगे या कुछ भी चीज़ हम अपने गोल्स अचीव करेंगे, तो वही एक बहुत बड़ा थैंक यू होगा अपने पेरेंट्स के लिए कि हाँ, जो उन्होंने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए, हम उसके वर्थ हमने कुछ चीज़ अचीव करी। तो दैट विल बी अ बिग थैंक यू टू माई पेरेंट्स। तो अभी हम पाथ पे चल रहे हैं, बट सून गॉड विलिंग वी विल गेट दैट। तो ये थे आयुष भंडारी 07
के क्वेश्चंस के आंसर आई होप आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा है दुर्गेश थपलियाल ने, ये पूछते हैं कि योर एक्सपीरियंस ऑफ जेएनबी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रगल टू अडॉप्ट दैट एनवायरमेंट टू लिविंग इट अनहैप्पीली। तो बेसिकली मेरी एजुकेशन जो हुई है स्कूल एजुकेशन वो नवोदय विद्यालय से हुई है, तो ये मेरे जूनियर रहे हैं नवोदय में। तो दुर्गेश थपलियाल वही पूछ रहे हैं कि आप अपने नवोदय के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बेसिकली होता क्या है कि जब आप नवोदय में एंटर करते हैं सिक्स क्लास में, तो यू स्टार्टेड क्राइंग एंड आप कहने लगते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, या आपको बहुत बुरा फील होने लगता है क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के बिना कैसे रह पाऊँगा। और ख़ासकर जब एक बच्चे की उम्र 11, 12 या 13 मैक्सिमम 13 साल होती है, तो काफ़ी छोटा होता है एक बच्चा और उसको हॉस्टल में जो है अपने पेरेंट्स के बिना या अपने घर के बिना रहना है, तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले से ही दूर रहने की आदत थी। मैं अपनी मदर से दूर रहा हूँ बचपन से ही, क्योंकि माँ जी गाँव में रहती थी और हम अपने फादर के साथ जहाँ पे हम रहते हैं घनसाली में, तो वहाँ पर रहते थे। तो मुझे एक आदत थी, क्योंकि जब आप दूर जा रहे होते हैं अपनी फैमिली से तो बेसिकली मम्मी से हम ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वो ज़्यादा आपको फील होने लगता है कि मम्मी से दूर कैसे रहेंगे। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी नहीं, आई वॉज यूज्ड टू दैट सिचुएशन, तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं उतनी और ना ही मैं रोया वहाँ जाकर, मुझे कोई उतनी परेशानी हुई नहीं। बट 90% ऑफ स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि वो मतलब स्टार्टिंग में रोने लगते हैं, उनका मन वहाँ नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती है, काफ़ी लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में मतलब एक दो महीने में ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ बहुत बुरा फील होता है। बट अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आपके वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनने लगते हैं, फिर जो हमारे वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो दे आर नॉट ओनली आर टीचर्स, दे आर आर पेरेंट्स ऑल्सो, वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, तो एक फैमिली सा जो है एनवायरनमेंट वहाँ बन जाता है, बिकॉज दैट इज़ अ बोर्डिंग स्कूल, आप वहीं रहते हैं, आप वहीं पढ़ते हैं, आप वहीं खाते हैं, तो कनेक्शन सा हो जाता है सभी, चाहे आप अपने फ्रेंड्स की बात करें चाहे टीचर्स की बात करें। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है जर्नी और आप धीरे धीरे लाइक 8th 9th स्टैंडर्ड में जब आते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू लिव इन, मतलब मैं ये तो ऐसी चीज़ है कि यार जहाँ मुझे रहना चाहिए था और मैं रो रहा था 6th क्लास में, आपको ये फील होने लगता है। और धीरे धीरे फिर होता क्या है कि जब आप 11th या 12th क्लास में आते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि मैं स्कूल को कैसे छोड़ूंगा, लाइक आप बहुत सैड फील करने लगते हैं कि यार मुझे अब इस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट ना। तो होता यूँ है कि जब एक बच्चा नवोदय में एंटर करता है या फिर नवोदय को छोड़ रहा होता है, दोनों वक्त वो रो रहा होता है, बट द रीज़न आर डिफरेंट एट बोथ ऑफ द टाइम। क्योंकि जब आप स्कूल में एंटर करते हो तो आपको आप रो रहे होते हो, क्यों, टू नॉट लीव इन दैट स्कूल, और जब आप स्कूल छोड़ रहे होते हो तो आप रो रहे होते हो टू नॉट लीव दैट स्कूल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज बोथ क्राइंग्स। तो यही है सफ़रनामा नवोदय का, नवोदय का सफ़रनामा एक वीडियो में जो है समराइज़ करना बहुत मुश्किल सा है, बट यही है बड़ा बड़ा कि जो मैंने फील करा है नवोदय में। बट नवोदय को छोड़ते वक्त बहुत दुख होता है कि इतने सारे फ्रेंड्स जो 7 साल से साथ रह रहे थे, साथ पढ़ रहे थे, साथ खा रहे थे, एवरीथिंग वी हैव डन टुगेदर, तो आप अलग नहीं होना चाहते, बट आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अलग होना ही पड़ता है, तो दैट इज़ द जर्नी, और हमें इस जर्नी में आगे बढ़ते ही चले जाना है। तो यही है, आई होप दुर्गेश को अपना आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंडी स्वैग ने, उत्तराखंडी स्वैग करके एक यूजर नेम है, हिमांशु पंत बेसिकली मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने ही पूछा है ये क्वेश्चन कि मेरा प्रश्न, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपके जीवन काल में किसने किया, एक कवि को अपनी कविताएं लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एवं खुद को कैसे पहचाने कि आप किस रस के कवि हो। तो उत्तराखंडी स्वैग का पहला प्रश्न ये है कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपके जीवन में किसने किया। अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन, इवन ही इज़ माय इंस्पिरेशन एंड ही विल ऑलवेज बी माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट माय लाइफ। क्योंकि अगर मैं अपने फादर की लाइफ की बात करूँ तो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज उन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा और अब तक कर भी रहे हैं,
और उसी स्ट्रगल के बलबूते हैं वो हमको बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूं मैं उनसे कि हाँ उनको देखकर लगता है कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए, अपने गोल्स अचीव करनी चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। तो मेरे फादर ही मेरे इंस्पिरेशन है लाइफ की। उत्तराखंडी स्वैग का अगला क्वेश्चन है कि एक कवि को अपनी कविताएं लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप बात करें कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर मैं अपना केस लेकर आपको आंसर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट में फुहड़ता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वल्गरिटी हम जिसे कहते हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी को आप अगर अपनी लेखन है, कुछ भी आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं या आप लेख लिखते हैं, तो उनमें अगर आप एक वाइड कम्युनिटी को कवर करते हैं लाइक जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेट कर पाएं खुद को, तो वो सबसे अच्छा लेखन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। बाकी यही चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन इनका है कि आप खुद को कैसे पहचाने कि आप किस रस के कवि हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि लाइक पहले तो आप लिखेंगे ना किसी चीज़ को, लाइक अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं जब भी कुछ चीज़ें देखता हूँ या जिससे मैं प्रभावित होता हूँ उस पर मुझे लिखने का मन होता है, तो फिर मैं लिखता हूँ एंड देन आई रियलाइज कि ये किस रस की कविता बन गई है। तो आप खुद को कुछ यूँ पहचान सकते हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो लिखने के, लाइक आप दुख से ज़्यादा प्रभावित होते हो, किसी का आपका आपने किसी का दुख देखा और उसे आपका आपको उस पर बहुत ज़्यादा लिखने का मन किया, तो इट माइट बी योर जोन। लाइक अगर आप किसी के दुख को देख रहे हो और उसको देखकर आपको लिखने का मन होता है, तो ये आपका जोन हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कभी कुछ खुशी की चीज़ें देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर में कि आप क्या करोगे, तो अपने अपने जोन होते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है लिखने के, तो देन यू कैन डिसाइड कि आप किस रस के कवि हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो आई होप कि उत्तराखंडी स्वैग सेटिस्फाई हो गए होंगे अपने मेरे इस आंसर से अपने क्वेश्चन पर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है अरुण पहाड़ी, मेरे मित्र हैं, बीटेक कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने पूछा है कि आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है आपके यूट्यूब पे काम करने के प्रति, और क्या वह आपके इस काम के प्रति सपोर्टिव हैं। घर वालों की प्रतिक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मम्मी तो फ़ोन वोन चलाना जानती नहीं है, पापा और भैया फ़ोन चलाते हैं, और भैया को तो बहुत पहले से ही पता था और उसने हमेशा ही सपोर्ट करा है अब तक, बट पापा को इनिशियली पता नहीं था कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, बट लेटर ऑन व्हेन ही गॉट टू नो दैट आई एम डूइंग सच थिंग, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अपनी स्टडी को जो है आप इफेक्ट ना करें, बाकी क्रिएटिव चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए। तो उन्होंने भी सपोर्ट ही करा है एक तरह से, बट उन्होंने कहा है कि स्टडी को प्रायर रखना है हमेशा, एंड दैट इज़ अ जेन्युइन थिंग कि आपको स्टडी को हमेशा प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि स्टडी इज़ द थिंग जो हमें अभी एक प्रायोरिटी के साथ करनी है, बिकॉज दैट इज़ आर ड्यूटी, दैट इज़ आर फंडामेंटल ड्यूटी राइट नाउ। तो यही चीज़ें हैं, बाकी घर से कोई ऐसा नहीं है कि मत कीजिए ये चीज़ या ये नहीं करनी है, तो सपोर्ट मिला है घर से, और भैया तो शुरुआत से ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि जब भी तुझे टाइम लगता है अपना कंटेंट क्रिएट कर और इस चैनल पर अपलोड किया कर, ताकि ऑडियंस जो है बनी रहे और तेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते रहें। तो कुल मिलाकर घर वाले सपोर्टिव हैं मेरे इस काम के प्रति, अभी भले ही उतना कुछ सक्सेस मिली नहीं है, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे होते हो और उस टाइम पे आपको सपोर्ट मिले, तो या मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, इस बात के लिए मैं एक बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को। तो यही है, और ये अरुण पहाड़ी के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। आई होप अरुण भाई सेटिस्फाई हो गए होंगे इस आंसर से। तो दोस्तों ये था मेरा पहला Q&A सेशन, आई होप आप सभी अपने प्रश्नों के जवाब सुनकर सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।